म्यूजियम का नाम जैसे कि लुम्पिनी प्लेस है, ठीक है, ताउपुन का जो एरिया है। लुम्पिनी का एक और हिस्टोरिकल कनेक्शन भी है, क्योंकि ये लोग बुद्धा है ऑलमोस्ट, ठीक है, तो ज़्यादातर लोग बुद्धा है, तो इंडिया का जो बोध गया है उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। जो बोध गया जहाँ पे गौतम, जो सिद्धार्थ सिद्धार्थ था उसका, गौतम बुद्ध बना, जो उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसका जन्म लुम्बिनी नाम के गांव में, प्लेस में हुआ है। इसलिए यहाँ पे पार्क में, पार्क का नाम, बिल्डिंगों का नाम और काफ़ी काफ़ी जगह का नाम लुम्बिनी करके होता है इधर, ठीक है भाई। ये हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में दिखाएंगे आपको यहाँ का रेजिडेंस, जो कॉन्डोमिनियम है, जो मैं यहाँ पे रहता हूँ कॉन्डोमिनियम के अंदर, क्योंकि फ्लैट का रोड का सिस्टम तो नहीं होता इधर, इसको कॉन्डोमिनियम ही बोलते हैं। हो सकता है फैसिलिटी के कुछ फीचर्स वगैरह थोड़ा अलग अलग हो, कुछ अलग हो स्पेशल उसमें, लेकिन यहाँ पे ये कॉन्डोमिनियम है। चलो स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं कॉन्डोमिनियम का, और कॉन्डोमिनियम का नाम है लुम्पिनी कॉन्डोमिनियम, ठीक है भाई। अभी दिखाते हैं, बाहर से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ये है लुम्पिनी प्लेस, ताउपुन इंटरचेंज। जो ताउपुन है वो भाई है इस जगह का नाम, ठीक है, और जो लुम्पिनी है वो इस कॉन्डोमिनियम का नाम है। ये देखो भाई, बिल्डिंग कॉन्डोमिनियम की 30 तक फ्लोर्स है इसके, अभी डिटेलिंग में बताते हैं आपको। चलो अभी बाहर से दिखा दिया ये, अभी अंदर से दिखाते हैं, अभी अंदर लेके चलते हैं आपको, दिखाते हैं इसके अलग अलग फीचर करके हैं। इसके अंदर स्पेशलिटी क्या है भाई, जैसे इसके अंदर वाईफाई है, और काफ़ी जगह वाईफाई एक्सेस फ्री होता है। अगर रूम के कॉन्डोमिनियम के अंदर चाहिए तो उसकी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, अलग से चार्ज होएगा। उसकी कैसी स्पीड चाहिए वो एक अलग बात है। और फिल्टर वाटर है, लगा हुआ है, जो बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है। और ये देखिए, इसका भी आपको दिखाता हूँ मैं, ये कार्ड वगैरह चलता है भाई, ऐसा करके कार्ड है। ये देखिए, ये मीटिंग हॉल है, इनका ऑफिस भी है इधर। ये देखिए इधर से, चलो बाहर चलते। ये इसको मीटिंग हॉल बोलते हैं, ऑफिस भी है, यहाँ पे बैठ भी सकते हैं। और ये फ्लोर है भाई इसके, मैंने बताया अभी। अच्छा सर जी, फैसिलिटी की बात कर रहे थे, वाईफाई हो गया, इसके साथ फिल्टर वाटर भी है। और ये देखो वेंडिंग मशीन वगैरह है लगी हुई है, देखो मशीन, चाय कॉफ़ी की है ये, ठीक है, और ये सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह की है, और ये सैंडविच वगैरह है इसके अंदर, तो ऐसा सलाद भी है, लिखा है फार्म सलाद थाईलैंड प्योर ऑर्गेनिक। ये देखो भाई, रिसेप्शन है, देखिए देखिए सेंसर देखिए खुल गया। ये एक तरफ का ऑफिस है, यहाँ पे कुरियर वगैरह आए, या वो बार वाली टेबल है वो खाने के लिए, खाना वगैरह मंगवाए ऑर्डर करिए ऑनलाइन, ये कुरियर के लिए है। और देखो हर जगह कार्ड का यूज होता है भाई। ये देखिए लिफ्ट में भाई, ये 9 फ्लोर मैंने दबाया है। ये जो साइन लगे हैं ना, जैसे ये G9 22 25, ये एक्सेस है विदाउट कार्ड के, ठीक है, और अगर कार्ड के साथ जाओगे तो बाकी सब ये जो कॉन्डोमिनियम का कार्ड है वो वगैरह यूज हो। देखो 9 फ्लोर है, चले गए अपन, 30 तक बिल्डिंग का है, फ्लोर्स हैं, अभी 9th फ्लोर पे आ गए अपन। को लिविंग जोन है करके है, इसमें भी आप रेस्ट कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, इसमें वाईफाई फ्री है। और तो इसके साथ ही ये एक रूम, इसमें स्टडी के लिए है, टीवी लगा हुआ है, फुली एसी, ऐसा करके है। हाँ, फैसिलिटी इसके साथ ही एक और बता रहा था मैं, वाईफाई यहाँ पे कुछ जगह पे एक्सेस फ्री है, और अगर रूम में चाहिएगा तो अपने को लगाना पड़ेगा। और रही बात फर्नीचर वगैरह की, फर्नीचर वगैरह काफ़ी चीज़ का यहाँ पे काफ़ी
काफ़ी चीज़ है फर्नीचर की जो फ्री है, और जो 100% तो फ्री नहीं है, जैसे आप चाहो वैसा उसमें और भी उसमें डेकोरेट कर सकते हो, उसमें ऐड कर सकते हो। ये है अभी देखो ग्राउंड फ्लोर की, अभी अपन आए हैं 9th फ्लोर पे, ये ग्राउंड फ्लोर की है। और ये ग्राउंड फ्लोर में देखिए भाई, अभी दिखाते हैं आपको, ये पुल है भाई, इसका फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका अपन यूज कर सकते हैं जिसने कॉन्डोमिनियम लिया हुआ है या रेंट पे लिया हो या ख़रीदा हुआ हो, ठीक है भाई। और इसके साथ ही काफ़ी चीज़ और भी फ्री है इसकी, जैसे जिम हो गया या बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं, काफ़ी चीज़ें फ्री है इसके साथ, फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती हैं। अभी आपको दिखाते हैं जिम वगैरह कैसा है, और स्पेशल अपना कॉन्डोमिनियम भी दिखाते हैं, उसका क्या सिस्टम है कैसा है वो। ये है भाई पूल, स्विमिंग पूल है इसका, बच्चों का अलग से सेंक्शन है और बड़ों के लिए अलग से है। तो ये भी इसके फैसिलिटी है, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके साथ ही जिम है, वो जिम भी दिखाते हैं अपन। अब इसको ये देखिए, 25वें फ्लोर पे आ गए अपन। ये देखिए ये ओपन जिम है 25 नंबर फ्लोर पे। और ये देखिए भाई, हरा भरा पूरा है भाई बिल्कुल, ये 25 नंबर फ्लोर है। और ये देखिए जिम करके है भाई, देखो ये जिम है। और जो ये वाली बिल्डिंग है ना बिल्कुल सामने दिख रही है, ये 25 तक फ्लोर तक है भाई, देखो ठीक है, ऐसा करके है। हरा भरा पूरा हरियाली है, सब एकदम बढ़िया है। ये देखिए नज़ारा बाहर का, ऐसा करके है भाई, बिल्कुल शांति, बढ़िया, साफ़ सफाई, क्लीन, पोल्यूशन फ्री। और इसके साथ ही इसको कनेक्ट करते हुए MRT है, मेट्रो ट्रेन जिसको बोलते हैं, और बस वगैरह भी है, कैब वगैरह, तो आप कहीं से भी कैसे भी करके ले सकते हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ऐसा करके सीन है भाई। अभी चलते हैं भाई 12वें फ्लोर पे, जिसमें अपना कॉन्डोमिनियम है। हाँ जी, अभी आ गए 12th नंबर फ्लोर पे, ऐसा करके गैलरी वगैरह ये है भाई, ऐसा गैलरी। ये है भाई अपना कॉन्डोमिनियम है, हाँ जी, ये भी आ गए कॉन्डोमिनियम के अंदर, ऐसा करके है भाई ये। देखो ऐसा करके है, शावर रूम, और फिर भाई देख लो टॉयलेट्स, बाथरूम एक साथ है। और इसके साथ ही आपको दिखाता हूँ भाई, ये खाना बनाने के लिए है, राइस वगैरह के लिए, देख बॉयल वाटर के लिए फिल्टर पानी है, ये देखिए अभी कपिल कॉमेडी चल रहा है भाई इसमें। अभी दिखाते हैं बाहर का सीन कैसा करके है। ये बाहर का सीन, ये बेसिक चीज़ें तो इसमें सब कुछ ही है, पानी है, फिल्टर पानी है जो नॉर्मल टेप वाटर यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, वाईफाई है, मीटिंग हॉल है, और बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्टडी रूम भी है, जिम भी है,
और मतलब छोटी मोटी जो भी चीज़ें हैं, पुल भी है इसके अंदर, तो जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया भी है, छोटी मोटी चीज़ें सब कुछ है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। और मेट्रो ट्रेन बिल्कुल पास में है और बस स्टॉप दोनों पास में है, दोनों साइड के लिए है, और एकदम कनेक्टिविटी एकदम ओके है, बिल्कुल बढ़िया रिपोर्ट है। साफ़ सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए 101% ओके है। तो अभी बात करते हैं इसकी कॉस्ट की। इसकी कॉस्ट है भाई 4 मिलियन बाट, जो इंडियन के रुपए में 97-98 लाख इंडियन के रुपए होते हैं। आजकल कुछ करेंसी अपने इंडियन की डाउन है, तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। तो ऐसा करके सीन है भाई। ये इसको कॉन्डोमिनियम बोलते हैं, और इंडिया में फ्लैट का सिस्टम है, वो थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग करके होगा इसका, इंडिया का। तो बस यही था भाई, ऐसे करके घर होते हैं यहाँ पे जो नॉर्मली आज के यंग लोग, युवा लोग खरीदते हैं। बाकी ट्रेडिशनल घर भी कभी आपको दिखाएंगे अलग वीडियो में, ठीक है जी। ऐसा है, तो ये था ब्लॉग आज का, ये था टॉपिक आज का, घर का टूर का, कैसा घर है, कैसा फ्लैट है इधर, वही था वही कुछ दिखाया मैंने इसको। और मैं सोच रहा था बड़ा ब्लॉग ना हो जाए, इसके लिए काफ़ी चीज़ इसमें दिखाई भी नहीं है, दिखा भी नहीं सकते, वो तो सभी कोई जानते हैं। तो ब्लॉग कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बने रहिए, आगे भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। ये देखिए ट्रेन भाई।